तो आज के दिन की सुबह हो गई है और हम जा रहे हैं शिकारा राइड पर अलेप्पी बैक वाटर। तो चलो मिलते हैं शिकारा बोट। तो ये है हमारा शिकारा बोट जिसके अंदर हम लोग अलेप्पी बैक वाटर्स की राइड करने वाले हैं। अलेप्पी बैक वाटर्स का सफ़र अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पर 3 आवर्स का शिकारा ये बुक किया है और इसमें अभी हम लोग 3 आवर्स बैक वाटर्स में सैर करेंगे और यहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी हम लोग बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है फिनिशिंग पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे बोट रुके हुए होते हैं। यहाँ से ही हाउस बोट का सफ़र स्टार्ट होता है। तो यहाँ के आइलैंड है और यहाँ पर देखो ये लोग बोट से ही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ से सी मिलता है क्या? अलेप्पी का बीच यहाँ से मिलता है। अलेप्पी के बीच में सारे वाई रोड है। तो अभी हमको बताओ यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं जो कवर करते हैं? वो पूरा आइलैंड है। आइलैंड है सारे? ये एक दो ऐसे आइलैंड आइलैंड क्या आइलैंड के अंदर में पहाड़ी फील्ड है। क्या है? पहाड़ी राइस का पूरा शूटिंग एरिया है। जहाँ दिल जरा उधर शूटिंग। कितना फीट है? अब वो यार अलग अलग है, 5 फीट 10 फीट लेवल नहीं है। लेवल नहीं है अभी यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर कितना रहेगा? इधर में मैक्सिमम 5 फीट 7 फीट है बस। या तो उधर आया 10 फीट आया, 15 फीट आया, 20 फीट आया। अच्छा, मतलब 5 फीट से लेके 20 फीट तो ज़्यादा नहीं है। 20 फीट में क्या? और तुम्हारा कौन है? तुम्हारा वो साइड में करेगा, लेफ्ट साइड है। इसमें कौन सा फिश मिलता है? वो अलग अलग फिश है, छोटा फिश, बिग फिश, सब कुछ बड़ा फिश मिलेगा। वो पॉपुलर फिश कौन सा है यहाँ का? पॉपुलर फिश ब्लैक फिश, कैरीमी। और करीमन फिश लोकल नेम बैरल स्पॉट। या और करीमिन फिश कौन सा है? करीमिन केरला फेमस फिश है। अच्छा, करीमिन एंड टाइगर प्रॉन। टाइगर प्रॉन या टाइगर प्रॉन्स इसमें रहता है क्या? ये बात है। यहाँ के लोगों का बाय रोड कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है बोट फेरी। गवर्नमेंट ऑफ केरला का जैसे बस स्टॉप होता है वैसा ये फेरी बोट का स्टॉप है। यहाँ से लोग बोट से ट्रैवल करते हैं। तो ये है गवर्नमेंट का फेरी बोट जिससे यहाँ के लोग ट्रैवल करते हैं।
अभी देख सकते हो हमारी बोट छोटे छोटे से विलेज के अंदर से एंटर करते हुए जा रही है। ये छोटे कैनल्स पर हाउस बोट नहीं आता है, शिकारा राइड करते हैं तो ही इस छोटे छोटे कैनल में आकर इस यहाँ की खूबसूरती का मजा ले सकते हो। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ का लोकल फिश करी मीन ट्राई करें। ये हाफ के जी 400 आयुर्वेदिक फिश है ये वाला। और ये? ये करी मीन वाला ना। अच्छा ये दो हम दो हाफ के जी है टू हाफ के जी बस। क्या फ्राई करेगी? मसाले में फ्राई करेगा। अमिताभ बच्चन का एक अल्लाह रखा था और ये है हमारा अल्लाह रखा। हम लोग ने यहाँ पे लोकल फिश यहाँ का करी मीन लिया है तो अभी उसको साफ कर रहे क्लीन करेंगे, इसके बाद इसको फ्राई करके वो हमको देंगे। तो ये इनका किचन है, तो इनका ये मसाला है, ये रेडी करके रखा है और अभी हमने फिश को इसमें डाल दिए। अभी फिश रेडी हो रही है तो अभी हमारा फिश फ्राई हो रहा है। तो ये फिश को गार्निशिंग किया जाए। अभी क्या डाला आपने? व्हाट इज दिस? पेपर, ब्लैक पेपर। कड़ी पत्ता ओके। अलग से स्पाइसेस डाले जा रहे हैं। ये कौन सा ग्रेवी है? सर ओनियन या फिश मसाला सब कुछ है। बनाना लीव में रोल करके तवे पर इसको सेका जाएगा। बनाना लीव्स का उसके अंदर वो खुशबू आता है ना, उसमें मिक्स हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा ना। तो बनाना लीव्स पे इसको रोल करके तवे पे सेका जाएगा जिससे बनाना लीव्स का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। तो अभी हमारा फिश खाने के लिए रेडी हो गया है, थोड़ा कुकिंग करके आ गया है, काफ़ी गर्म है। यही अम्मी दिखाई दे रहा है। पूरा मसाला अंदर तक चला गया है, देख सकते हो पूरे उसके अंदर पूरा डीप में मसाला गया है। तो अभी इसका टेस्ट देखते हैं। जवाब टेस्ट है। तो ये है करी मीन फिश फ्राई, अभी इसको भी ट्राई करते हैं। एक हमने ग्रेवी लिया और एक फिश फ्राई लिया है, देख सकते हो इसको भी पूरा अंदर तक, इसके भी अंदर तक मसाला चला गया है, काफ़ी यम्मी दिखाई दे रहा है। तो ये टेस्ट ऑफ इंडिया बैक वाटर रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा आइलैंड पे बना हुआ रेस्टोरेंट है, ये वाला देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग उतर के गए, यहाँ पे फिश ट्राई किया, फिश बहुत है, अच्छा था। आप भी आए तो ये रेस्टोरेंट को याद रखें, यहाँ पर फिश खा सकते हो।
तो हम लोग ने इस बोट में 3 आवर्स का राइड लिया था। 3 आवर्स के राइड में हम लोग ने यहाँ के कुछ शूटिंग पॉइंट देखे, यहाँ के छोटे छोटे गांव देखे, जो कि एक आइलैंड पे बसे हुए हैं। यहाँ के एक रेस्टोरेंट में फिश खाई। हम लोग यहाँ का घूमने में बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो हाउस बोट भी ले सकते हो। हाउस बोट थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपका बजट है तो हाउस बोट ले लो, नहीं बजट है तो इस शिकार राइड में राइड कर लो। उसमें भी बहुत मज़ा आता है, पूरे बैक वाटर्स देखने मिलते हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।